हेलो एवरीवन, निकिता इसरवाल कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम हरे चने और आलू की सब्जी बनाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है, तो चलिए शुरू करते हैं। आलू हरे चने की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को बारीक पीस कर तैयार कर लेंगे। मसाले हमने पीस कर तैयार कर लिया है। अब पैन में तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें जीरा डाल देते हैं। जीरा भूनने के बाद राई डाल देंगे, साबुत धनिया, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर भी डाल देते हैं। मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे और अब हम ये टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पिसा हुआ पेस्ट डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं और मसाले को तब तक भूनना है जब तक ये हमारा मसाला अच्छी तरह ग्रीजी दिखाई नहीं देने लगे और मसाले से एकदम से तेल अलग नहीं होने लगता। मसाले को मीडियम गैस पर इसी तरह चलाते रहना है। आप देख सकते हैं मसाला भून गया है। अब हम ये चने मसाले में डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक भी डाल देते हैं और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। एक गिलास पानी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मीडियम गैस पर हम इन्हें 5 मिनट तक पकाएंगे। पाँच मिनट बाद हम चेक करते हैं। चने हमारे हल्के से हार्ड हैं, तो थोड़ी देर और पकाएंगे। अब हम चेक करेंगे, चने को दबाकर देख लें। चना अच्छे से दब रहा है, नरम हो गया है। हमने ये चने मीडियम गैस पर 12-13 मिनट तक पकाए हैं और अब हम ये आलू काट कर रखे हैं, ये डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। सब्जी जितनी गाढ़ी और पतली रखनी है उस हिसाब से पानी डाल देंगे। एक गिलास पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके सब्जी को 3-4 मिनट तक मीडियम गैस पर पकने देंगे। चार पाँच मिनट हो गई हैं, आप देख सकते हैं सब्जी तैयार हो गई। इसमें हरा धनिया डाल देते हैं, आप चाहें तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे कटोरी में निकाल लेते हैं। आलू हरे चने की सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है और इतनी सब्जी परिवार के 4-5 सदस्य के लिए पर्याप्त है। हरे चने आलू की सब्जी चपाती, पराठे, नान या चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप भी ये सब्जी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।